हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन के मैथ्स इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो क्वेश्चन एस एस सी सी के प्री के एग्जाम्स में पूछे गए थे ठीक है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं है बट आपको या आप उस क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं कैसे बनाते हैं आप के पास इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या अप्रोच है ये ज़्यादा मायने रखता है आप कितने समय में सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सोल्यूशन देखने से पहले खुद से सॉल्व करके ट्राई करो कि आप कैसे सॉल्व करते हैं और कितने समय में आप क्वेश्चंस को बना पाते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और सारे क्वेश्चंस वही मैं लेने वाला हूँ जो सी 2017 के प्री के एग्जाम में पूछे गए थे चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट भी कमेंट बॉक्स में करें तो ये है आपका पहला प्रश्न और सारे क्वेश्चंस के एंड में मैंने ये डेट लिखा हुआ है कि किस डेट पर ये एस 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 द्वारा पूछा गया था ठीक है किसी किसी क्वेश्चन में शिफ्ट भी लिखे गए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना और पहले आप खुद से बना के जरूर सॉल्व कर लें उसके बाद ही सोल्यूशन को देखें चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ देखिए क्वेश्चन है तीन डिब्बे हैं जिनकी क्षमता है चौबीस के जी का छत्तीस के जी का और चौरासी के जी का यानी कि तीन डब्बे हैं जिसमें कोई भी आप अगर सामान रखते हैं तो चौबीस के जी पहले डिब्बे में आएगा दूसरे में टोटल आप उसको भर दीजिएगा किसी सामान से तो छत्तीस के जी आएगा और तीसरा डब्बा में चौरासी के जी आएगा ये है तीनों की क्षमता और इसमें दिया हुआ है कि तीनों डब्बे में तीन तरह के गेहूँ ए बी और सी से पूरा भरा गया है यानी कि तीनों डब्बों को उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग ए बी और सी तीन तरह के गेहूं से पूरा पूरा भरा गया है तीनों डब्बे खाली कर दिए जाते हैं तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रण को फिर से तीनों डब्बों में भरा जाता है अब तीसरे डब्बे में ए प्रकार के गेहूँ की मात्रा किलोग्राम में कितनी होगी देखिए मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ कि अगर ये तीन डब्बे हैं इसमें 24 केजी पहले प्रकार का गेहूं है ए प्रकार का इसमें 36 केजी है बी प्रकार का गेहूं और इसमें चौरासी के है सी प्रकार का गेहूँ तीनों को ही किसी और डब्बे में बड़े डब्बे में खाली कर दिया जाता है ठीक है और इसमें खाली करने के बाद तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया जाता है और मिक्स करने के बाद वापस से इन तीन डब्बों में इनको डाल दिया जाता है तो आपको बताना है कि तीसरे डब्बे में पहले प्रकार के गेहूँ की मात्रा कितनी होगी तो मैं आशा करता हूँ कि आप क्वेश्चन का मतलब समझ पाए होंगे अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं देखिए इसमें करना क्या है एक्चुअली आपको मैं ये बता दूं पहले कि टोटल गेहूं है कितना अगर टोटल हम मात्रा निकालें तीनों बर्तन का मिलाकर तो टोटल गेहूं आप बोलेंगे चौबीस और फिर छत्तीस और चौरासी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका वन फोर्टी फोर के जी यानी कि एक सौ चौवालीस के जी है टोटल मिक्सचर आप छत्तीस और चौबीस को जोड़िएगा तो आपको साठ मिलेगा और फिर आठ छः चौदह और चार यानी कि एक सौ चवालीस के जी टोटल गेहूँ है ठीक है अब मैं ये बात कर लूँ कि शुरू में रेशियो कितना है इनका तो रेशियो है पहले में आप तीनों का रेशियो अगर चौबीस छत्तीस और चौरासी का रेशियो लीजिएगा तो बारह से ये कट जाएंगे यानी कि बारह दूना चौबीस फिर रेशियो बारह तिया छत्तीस और बारह सत्ते चौरासी यानी कि टू थ्री और सेवन का रेशियो इनका बनता है ठीक है तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब तीसरे बर्तन में तीनों को डाल दिया जाएगा मिला दिया जाएगा तो उसमें तीनों का जो रेशियो होगा वो टू थ्री और सेवन के रेशियो में ये तीनों उसमें मिले होंगे ठीक है अब ये मुझे बताइए कि टोटल इसमें एक सौ चौवालीस के जी हम डाल दिए सबको मिला दिए तो एक सौ चवालीस के जी बड़े डिब्बे में आ गया फिर इसको तीन अलग अलग डब्बों में डाला जाता है तीन अलग अलग डब्बों में डाला जाता है तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने योग्य है और वो ये है कि तीनों डब्बों में ही हम डालेंगे तो तीनों में जो रेशियो होगा तीनों प्रकार के गेहूँ का वो टू थ्री और सेवन का रेशियो ही होगा ठीक है तो केवल तीसरे डब्बे से हमें मतलब है क्योंकि सवाल में ये पूछा गया है कि तीसरे डब्बे में ए प्रकार के गेहूँ की मात्रा कितनी होगी तो हम एक तीसरा डब्बा में आप ये समझ लीजिए कि टोटल गेहूँ भरा कितना जाएगा ओवरऑल तीसरे में भरा जाएगा चौरासी के जी तीसरे में भरा कितना जाएगा चौरासी के जी लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जितना के जी भी आप डाल लीजिए लेकिन तीनों जो गेहूं हैं उनका रेशियो टू थ्री और सेवन ही रहने वाला है तो तीसरे गेहूं में मैं बता दूं आपको कि टोटल चौरासी के जी गेहूँ है लेकिन तीनों गेहूँ का रेशियो आपको दे रखा है टू थ्री और सेवन तो हम आराम से तीनों प्रकार के गेहूं की मात्रा को उसमें निकाल पाएंगे कितने कितने गेहूं हैं ठीक है कैसे आप रेशियो में जोड़ लीजिए कि रेशियो में टोटल कितना है दो और तीन पाँच और सात बारह रेशियो में टोटल बारह है लेकिन उस डब्बे में टोटल कितना है चौरासी के है कितना गुना है सात गुना है बारह सत्य चौरासी अगर ये सात गुना है तो सारे सात सात गुने होंगे ठीक है पहले प्रकार का सात गुना चौदह होगा दूसरा सात तिया इक्कीस और तीसरा सात सत्य उनचास ठीक है सबको आप ऐड कर लीजिएगा तो फिर से चौरासी मिल जाएगा तो आपसे सवाल में एक प्रकार का गेहूँ पूछा गया है तो ये सात गुना है तो ए वाला का मतलब दो है और दो का सात गुना बनेगा चौदह यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है ठीक है तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे एक बार मैं जल्दी जल्दी फिर से करके बताता हूँ एग्जाम में ऐसे नहीं करना है आपको पूरा पूरा लिख के ठीक है आपको बस रेशियो देखना है कि चलो रेशियो है कितना रेशियो है बारह से सब कटेगा तो बारदिन चौबीस बाढ़तियाँ छत्तीस और बाढ़ सत्या चौरासी ये रेशियो है तीनों का अब जब तीनों को हम मिला देंगे तो तीनों के मिलाने के बाद तीनों को हम जब मिला देंगे एक बर्तन में और उसके बाद सब में वापस आपस पूरा पूरा भरेंगे तो तीसरे बर्तन में कितना भरेगा तीसरे बर्तन में भरेगा टोटल चौरासी के जी लेकिन चौरासी के जी में चाहे तीनों ही बर्तन में आप जितना जितना भर लें लेकिन रेशियो कितना रहने वाला है टू थ्री सेवन तो अब सीधा सीधा बात है कि चौरासी के जी गेहूँ टोटल है और तीनों प्रकार के गेहूँ का रेशियो है टू थ्री सेवन तो आप इसी रेशियो में डिवाइड कर दीजिए चौरासी को कैसे डिवाइड करेंगे आसान है तीन दो पाँच और बड़ा सात सॉरी सात बड़ा हो गया और बड़ा का ये सात गुना है चौरासी तो ये सारे सात सात गुना होंगे यानी कि दो का सात गुना चौदह बनेगा क्योंकि आपसे पहले वाला पूछा गया है तो हम दो का ही निकालेंगे और चौदह सही उत्तर है अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक जरूर करें और अपना कमेंट भी करें चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तीन समान क्षमता वाले बोतलों में दूध और पानी का मिश्रण आपको दे रखा है दो अनुपात पाँच तीन अनुपात चार चार अनुपात पाँच तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है यानी कि सभी बोतलों का जो मिक्सर है वो एक बड़ी बोतल में डाल दिया जाता है तो बड़ी बोतल में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा ठीक है ये जो क्वेश्चन है ये 9 अगस्त 2017 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था तो चलिए बनाते हैं कि क्या अप्रोच रहेगी ऐसे सवाल में तो देखिए जब भी आपको दो बर्तन में रेशियो दिया हो तीन बर्तन में या कितना भी बर्तन में रेशियो दिया हो और सबको एक साथ मिलाना हो ठीक है तो सबको एक साथ मिलाना है तो आप सिंपली पहले लिख लीजिए पहले में रेशियो क्या है टू फाइव का है दूसरे में रेशियो है थ्री फोर का और तीसरे में रेशियो है फोर फाइव का अब जब भी मिलाना हो तो यह ध्यान रखिएगा कि अगर दिया हुआ है कि पहले बर्तन से हम कितना के ले रहे हैं दूसरे से कितना के ले रहे हैं और तीसरे से कितना के ले रहे हैं ये अगर दिया है तो ठीक है आप उतना ही के बना लीजिए और नहीं दिया है तो आपको बराबर बराबर बना के और फिर जोड़ना है ठीक है बराबर बराबर जोड़ने का मतलब है कि जब बड़ी बोतल में इनको डाला जाएगा तो सारे तीनों जो हैं वो बराबर बराबर बटेंगे और बराबर करेंगे कैसे हम आप देखिए पहला रेशियो टोटल कितना बना देता है सात पाँच और दो जोड़िएगा तो सात दूसरा चार और तीन कितना है सात और तीसरा जो है पाँच और चार नौ है ठीक है ये सात है पहला वाला दूसरा भी सात है तीसरा का सम कितना है नौ ये तीनों हमें चाहिए बराबर तब हम जोड़ पाएंगे तीनों को तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे तीनों का एल्सियम निकाल लीजिए अब सात सात और नौ का एल्सियम कितना होगा और एल्सियम के बराबर सबको कर दीजिए तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि एल्सीयम निकाल पाना कोई जरूरी नहीं है बिना एल्सीियम निकाले भी हम काम कर सकते हैं इस सात को अगर मैं नाइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो फोटी नाइन बनेगा ये भी नाइन से कर दूँ सॉरी फोर्टी नाइन नहीं बनेगा ये सिक्सटी थ्री बनेगा ये भी सिक्सटी थ्री और इसको मैं सेवन से कर दूँ तो ये भी सिक्सटी थ्री तो मैं जिनसे भी गुना करा रहा हूँ उनसे मैं मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेता हूँ फिर एड कर लेंगे और देखिए शुरू वाले सारे तो पहले रेशियो जो हैं वो बराबर बराबर हैं सेवेंटी थ्री सेवेंटी थ्री लास्ट वाले डिफरेंट हैं तो मैं लास्ट वाले को ही गुना करके जोड़ लेता हूं पूरा निकालने की ज़रूरत कुछ नहीं है यहां पर ठीक है तो मैं नौ को गुना करूंगा पाँच से नौ पचे पैंतालीस ठीक है अगर आप चाहें तो दो से भी कर सकते हैं नौ गुना अठारह बनेगा यहाँ पर अठारह रेशियो पैंतालीस फिर इस नौ से इसमें कीजिएगा तो नौ तेरी सत्ताइस बनेगा और फिर नौ चौ का छत्तीस तीसरे में सात से आप कीजिएगा तो सात चौ का अट्ठाईस और सात पचे पैंतीस ये लास्ट वाला पैंतीस है अब आप जोड़ लीजिए इन सब को एक साथ जोड़ लीजिए और इन सब को एक साथ तो मैं केवल लास्ट वाला जोड़ रहा हूँ क्योंकि लास्ट वाले ऑप्शन डिफरेंट थे तो लास्ट वाले को आप जोड़िएगा तो आपको मिलेगा पैंतालीस और तीस सत्तर और दस अस्सी एक सौ सो सोलह मिलेगा एक सौ सो सोलह दूसरे ऑप्शन में था तो दूसरा ऑप्शन आपका सही उत्तर है ठीक है बाकी आप इसको जोड़िएगा तो ए भी सेवेंटी थ्री आने वाला है तो मैं यही आपको बता रहा था कि यहाँ पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है अगर लास्ट वाला ऑप्शन मैं देख पा रहा हूँ देखिए आप यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए ऑप्शन में क्या है कि शुरू वाले जो ऑप्शन हैं सारे के सारे सेवेंटी थ्री हैं जो दूसरा रेशियो में दिया हुआ है वो अलग अलग है तो मैं दूसरे को ही गुना करके निकाल लेता हूँ देखिए नौ पचे ये कितना होगा पैंतालीस फिर दूसरा नौ चौ का कितना होगा छत्तीस और तीसरा कितना होगा सात पचे पैंतीस सबको आप जोड़ लीजिए एक सौ सोलह आ जाएगा यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है रेशियो का सम ले लेना है साथ है फिर साथ है फिर नौ है और उनके एलसीएम का कर, निकाल करके और उसके बराबर कर लीजिए गुना करके या किसी भी तरीके से आप बराबर कर लीजिए और जोड़ लीजिए अब इसी में अगर ये कहता कि पहले वाले बर्तन से मुझे दो के जी लेना है तो अब लास्ट में मैं दो से इसको मल्टीप्लाई कर देता ये कह रहा था कि तीसरे बर्तन से मुझे पाँच के जी लेना है तो मैं पाँच से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता फिर जोड़ता ठीक है तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं तीसरा क्वेश्चन काफ़ी आसान है और कई सारे तरीके हैं लेकिन जो सबसे आसान तरीका होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद आप लोग इस तरीके को जानते हो तो अच्छी बात है और नहीं जानते हैं तो आप ध्यान से देखिए आपको लगेगा कि इस सवाल में कुछ था ही नहीं लेकिन ऐसे क्वेश्चंस लगभग सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं नौ अगस्त के बाद नौ दस ग्यारह बारह जो अगस्त को एग्ज़ाम लिया गया था दो हज़ार सत्रह में एसएससी सीजीएल द्वारा प्री का उसमें लगभग इस टाइप के हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको ठीक है तो चलिए अप्रोच मैं बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं जब भी ऐसा सवाल आपको दिखे कि कुछ लीटर दे रखा है आपको कि अस्सी लीटर मिक्सचर है उसमें दस परसेंट दूध है या दस परसेंट पानी ही दे दे आपको आपसे ये पूछ रहा है कि मिश्रण में पानी की प्रतिशत अस्सी प्रतिशत बनाने के लिए दूध को और कितना मिलाना चाहिए ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन में आप बस लीटर को लिख लीजिए शुरू में कितना लीटर था अस्सी लीटर फिर आप उसको लिखिए जो चेंज नहीं हो रहा है यानी कि जो नहीं मिलाया जा रहा है आप इसमें बताइए कि क्या मिलाया जा रहा है पूछ रहा है सवाल में कि कितना दूध मिलाना चाहिए दूध मिलाया जा रहा है तो हम पानी से मतलब रखेंगे जो नहीं मिलाया जा रहा है उससे ठीक है दूध तो बदल जा रहा है जो नहीं बदलने वाला है उससे हमें मतलब है तो आप बताइए कि शुरू में दूध कितना था दस प्रतिशत और हमें अभी दूध से मतलब है नहीं क्योंकि दूध तो मिलाया जा रहा है दूध बदल रहा है और जो नहीं बदलता है उससे हमें मतलब है तो दूध अगर शुरू में नब्बे प्रतिशत था तो आप मुझे बताइए कि पानी कितना प्रतिशत था सॉरी दूध दस प्रतिशत था तो पानी कितना प्रतिशत था नाइन्टी तो मैं यहाँ पर नाइन्टी लिख लूँगा फिर बटा के नीचे आप बताइए कि दूसरी बार अस्सी प्रतिशत क्या होने वाला है पानी की मात्रा को अस्सी प्रतिशत बनाना है और पानी ही हमें नीचे लिखना है क्योंकि दूध बदल रहा है दूध ही तो मिलाया जा रहा है तो दूध बदल रहा है ऊपर भी मैंने ये लिख दिया कि दस प्रतिशत दूध था तो नब्बे प्रतिशत पानी था फिर नीचे भी बटा के आपको पानी को ही लिखना है तो पानी कितना हो जाना है अस्सी प्रतिशत तो मैं यहाँ पर अस्सी से मल्टीप्लाई करा दूंगा अब ये देखिए अस्सी अस्सी कटेगा और हो कितना जाएगा नब्बे लीटर अब मुझे बताइए कि शुरू में अस्सी लीटर था लास्ट में नब्बे लीटर हो गया तो कितना बढ़ा दस लीटर और यही दस लीटर हमारा उत्तर है क्यों क्योंकि सवाल में पानी तो मिलाया नहीं गया है केवल दूध ही मिलाया गया है तो जो भी अस्सी से नब्बे हुआ तो जो दस लीटर बढ़ा वो क्या बढ़ा दूध बढ़ा क्योंकि सवाल में तो दूध ही मिलाया गया है तो दस लीटर आपका उत्तर हुआ मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी करके बताता हूँ आपको कुछ करना नहीं है अस्सी लीटर लिख लेना है फिर आप ये देख लीजिए कि, कि किसको नहीं मिलाया जा रहा है वही आपको ऊपर और नीचे लिख देना है पहले वो कितना था वो ऊपर आपको लिखना है बाद में बाद में कितना हो जा रहा है उस चीज़ को आपको बटा के नीचे लिखना है ठीक है तो यहाँ पे मुझे बताइए कि पहले दूध था दस प्रतिशत लेकिन दूध डाला जा रहा है तो हम पानी की मात्रा लिखेंगे अगर दूध दस प्रतिशत था तो पानी नब्बे था फिर दूसरे वाले में पानी को ही दे रखा है ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दूध अगर अस्सी दिया रहता तो हम पानी को बीस लिख लेते हैं यहाँ पर ठीक है लेकिन पानी ही अस्सी दिया है तो हम पानी की मात्रा अस्सी लिख लेंगे अब ये अस्सी अस्सी कटेगा तो नब्बे बनेगा इसका मतलब अस्सी था और हो गया नब्बे तो दस लीटर बढ़ा है और जो बढ़ा है वो क्या बढ़ा है दूध तो इसका उत्तर दस लीटर होने वाला है ऐसे एक दो क्वेश्चन और शायद इस वीडियो में मिल जाए तो आप देखेंगे कि आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं देखिए लगभग सेम क्वेश्चन है चौथा भी ग्यारह अगस्त को पूछा गया है देखिए अस्सी लीटर मिश्रण है फिर से इसमें दूध की मात्रा है दस प्रतिशत मिश्रण में पूछ रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पानी मिलाने की बात कर रहा है ठीक है तो पानी मिलाने की बात कर रहा है तो हम लोग बटा का ऊपर दूध लिखेंगे और नीचे भी दूध लिखेंगे आपसे ये पूछ रहा है कि दूध का प्रतिशत कितना हो जाए पाँच प्रतिशत तो हम पहले अस्सी लीटर लिख लेंगे चलिए अस्सी मैंने लिख दिया फिर दूध की मात्रा पहले कितनी है दस प्रतिशत और मिलाई जा रही है पानी तो हम दूध से मतलब रखेंगे दूध पहले दस प्रतिशत था तो ऊपर दस लिखेंगे बाद में दूध कितना हो जाना है देखिए लास्ट में भी दूध ही दिया है कि दूध की मात्रा पाँच प्रतिशत हो जाए दूध नहीं मिलाया जा रहा है दूध नहीं बदल रहा है तो हम दूध ही बाद में भी लिखेंगे पाँच अब आप कटा लीजिए पाँच से कटाएँगे पाँच दुना दस तो अस्सी दूना कितना हो जाएगा एक सौ साठ अब बताइए पहले 80 लीटर था अब 160 लीटर हो गया तो कितना बढ़ा 80 लीटर बढ़ा तो 80 लीटर आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए क्या पसंद आया आपको चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ये लीजिए एलिगेशन का क्वेश्चन काफ़ी आसान का आप सबको पता होगा लगभग ये और अगर नहीं पता है तो आप ज़रूर ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कई बार पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम्स में जरूरी नहीं है कि सी में ही आएँ जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं और उनमें मैथ पूछा जाता है तो ये सारे क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं देखिए दो सौ चालीस रुपये प्रति कीग्रह की दर से चाय को दो सौ अस्सी रुपये प्रति किलो वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण को तीन सौ चौबीस रुपये प्रति कीग्रह की दर से बेचने पर बीस प्रतिशत का लाभ हो ऐसा सवाल जब भी आप देखें तो आप ये वाला रूल लगा सकते हैं जैसे यहाँ पर होता है मान लीजिए एक सौ वाई और बीच में हम डेट लिख लेते हैं और यहाँ पर जो मिलता है यही आपका सही उत्तर होता है रेशियो ये नीचे वाला तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इस सवाल में कैसे लगाएंगे ये ध्यान रखिएगा कि ये एलिगेशन मेथड लगाते समय ये तीनों चीज़ एक ही क्वालिटी होना चाहिए तीनों एक ही कोई भी चीज़ होना चाहिए जैसे कि ये अगर क्रैमुल दे रखा है यह भी क्रैमुल है तो तीन सौ चौबीस ही क्रैमूल होना चाहिए था और जो तीसरा मिक्सचर का जो वैल्यू होता है वो इस दोनों वाले के बीच का होता है ठीक है जैसे मैं अगर आपको ये बता दूँ कि यहाँ एक्स और वाई और बीच में जेड रख के हम घटा रहे हैं तो इसका मतलब जेड वाला एक और वाई के बीच का होना चाहिए यानी कि एक से बड़ा और दूसरे से छोटा होना चाहिए अगर जेड एक से बड़ा है तो वाई से छोटा होना चाहिए इसको अगर वाई से बड़ा है जेड तो एक से इसे छोटा होना चाहिए तो चलिए अब करके देखते हैं सवाल को अभी मैंने आपको बताया कि ये तीनों चीज जो मिलाया जा रहा है और मिल जो तैयार हो रहा है आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ मिल्क लिखूँ यहाँ मिल्क लिखूँ और यहाँ पर दोनों को मिला दूँ तो जो ये तीसरा लिखूंगा ये भी तो मिल्क ही होगा अगर ये क्रैमुल है ये क्रैमुल है तो तीसरा जो हम मिलाएंगे वो भी तो क्रैमुल ही बनेगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये तीनों एक ही तरह का क्वांटिटी होना चाहिए एक ही तरह की राशि होनी चाहिए ये तीनों ठीक है तो मैं तीनों को एक पहले बनाता हूँ देखिए दो सौ चालीस की ग्रह की दर से चाय को ख़रीदा गया है और दो सौ अस्सी की ग्रह की दर से भी चाय को ख़रीदा गया है और उस दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को तीन सौ चौबीस रुपये प्रति के जी की दर से बेचने पर बीस प्रतिशत का लाभ हो यानी कि तीन सौ चौबीस क्या है यहाँ पर हमारा एस पी है सेलिंग प्राइस है तो पहले हम क्रेमुल निकालेंगे कॉस्ट प्राइस क्या होगा तो आप मुझे बताइए बीस परसेंट का लाभ चाहिए इसका मतलब क्या बीस परसेंट का अगर हम लाभ लेंगे सौ पर तो कितना हमें मिलेगा एक सौ बीस परसेंट मिल जाएगा और एक सौ बीस परसेंट की वैल्यू दे कितनी रखी है तीन सौ चौबीस आप यहाँ पर कटा लीजिए तीन सौ चौबीस को इससे बारह से ये आसानी से कट जाएगा बारह दुना चौबीस और बारह सत चौरासी ये सत्ताईस बार में जाएगा देखिए तो अगर दस परसेंट का वैल्यू सत्ताईस है तो हंड्रेड परसेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा दो सौ सत्तर एक जीरो इधर चिपकाएंगे एक जीरो इधर तो हंड्रेड परसेंट का वैल्यू दो सौ सत्तर आ गया यानी कि क्रैमुल क्या होगा मिश्रण का दो सौ सत्तर रुपये प्रति के जी अब तीनों हमारे पास क्रैमुल मौजूद है तो हम एलिगेशन मेथड यहाँ पर लगाएंगे दो सौ चालीस था दूसरा वैल्यू था दो सौ अस्सी और जो मिक्सचर का रेट है क्रैमुल ख़रीदने का वो है दो सौ सत्तर आप घटा लीजिए इसको घटाइएगा तो दस मिलेगा आपको इसे घटाइएगा तो तीस मिलेगा ये वन जीरो से वन जीरो कटेगा तो आपका रेशियो बनेगा वन और थ्री का अब देखिए अगर आप ऐसे क्वेश्चन पहले से कर चुके हैं तो इसमें लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी आप ये क्वेश्चन बिना लिखे कर पाते हैं कैसे देखिए मैं अभी आपको बिना लिखे कर पाता करके दिखाता हूँ बस आपको साउंड ही सुनाई देगा ठीक है तो मैं इसे मिटा रहा हूँ आप सीधा पहले ये ध्यान देखिए कि ये क्रे क्रैमूल है ये क्रैमूल है ये विक्रैमुल है तो पहले क्रैमूल निकाल लीजिए देखिए बीस प्रतिशत लाभ हो रहा है इसका मतलब कि एक सौ बीस प्रतिशत इसके बराबर है बारह से आप इसको कटाइएगा सत्ताईस बार अगर दस पचीस सत्ताईस है तो सौ पचीस दो सौ सत्तर बनेगा आप बस क्रैमुल निकाले और लिखना आप चालू कीजिए दो सौ सत्तर है तो एक बार दो सौ चालीस में से दो सौ सत्तर को घटा के नीचे लिख दीजिए और वो कितना बनेगा भाई तीस ठीक है तो ये आप मन में कर सकते हैं मैं बस आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ फिर दो सौ अस्सी में से आप घटाइए दो सौ सत्तर को तो दस मिलेगा आपको इस तरफ लिख लीजिए और घटा दीजिए वन थ्री का रेशियो आ जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर छः छः नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक दूध व्यापारी पचास लीटर दूध को चालीस रुपये प्रति लीटर की दर से ख़रीदता है ठीक है और उसने पाँच लीटर पानी मिला दिया और अब वह इस मिश्रण को बयालीस रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है तो आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा अच्छी बात है चलिए बयालीस रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है तो कई सारे तरीके हो सकते हैं एक बार मैं इसको आपको सिंपल तरीके से करके बताता हूँ जैसे सब लोग करते हैं फिर मैं कुछ अलग बताने की कोशिश करूँगा पहले तो आप इसको अगर करना है तो आप ये समझ लो कि जो पाँच लीटर पानी मिलाया गया है इसके लिए तो फ़ायदा होगा ही होगा इसको होगा कि नहीं पाँच लीटर पानी मिलाया है तो पाँच लीटर जब पचास लीटर दूध था चालीस के हिसाब से खरीदा था लेकिन पाँच लीटर जो पानी मिलाएगा उसको भी तो उसी भाव में बेचेगा जिसको दूध से के भाव से बेच रहा है यानी कि पचास में पाँच पानी मिलाने पर टोटल इसके पास पचपन लीटर मिक्सचर हो जाएगा और सबको ये बयालीस के भाव से बेच रहा है तो ये जो पाँच लीटर पानी मिलाया गया था एक्स्ट्रा वो भी तो बयालीस रुपये प्रति जो बिक गया पाँच लीटर जो पानी मिलाया गया था वो भी तो बयालीस के भाव से ही बिक गया साथ में पचास लीटर दूध को तो बयालीस के भाव से बेचा ही बेचा ठीक है साथ में जो पाँच लीटर दूध मिलाया है उसको भी बयालीस के भाव से बेच दिया है तो इसको करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप ऐसे कर लें सीधा सीधा कि सी पी पहले निकाल लें अगर पचास लीटर दूध चालीस के भाव से खरीदा है तो कितने में खरीदा होगा दो हज़ार में खरीदा होगा आप मल्टीप्लाई कर लेंगे दो हज़ार रुपये में खरीदा है ये इसका सी पी है ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी पी अब एस की बात करते हैं एस बेचते समय ये क्या करता है पाँच लीटर इसमें और पानी मिला देता है यानी कि पचपन लीटर हो गया और बेचता है बयालीस के भाव से तो आप बयालीस से मल्टीप्लाई इसको करा लीजिए कितना बनेगा ये बनेगा तेईस सौ दस बनेगा शायद ठीक है आप देख लीजिए अब कितने का फायदा मिल रहा है इसको तीन सौ दस का फायदा मिल रहा है कितने पर दो हज़ार पर तो नीचे दो हज़ार हम लिख लेंगे और गुना में हंड्रेड ये लाख प्रतिशत इसका बनेगा तीन जीरो से ये तीन जीरो कटेंगे तो इकतीस का आधा बनेगा पंद्रह इसका सही उत्तर है तो ऐसे आप कर सकते थे ठीक है अगर आप इतना गुना नहीं करना चाहते हैं कि तेईस सौ दस आ जाए पचपन को बया बयालीस से गुना करें गुना बड़ा लग रहा है तो आपके लिए मैं एक छोटा इस इसी तरीके को मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ शायद आपको पसंद आ जाए देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर पचास लीटर दूध था और वो चालीस के भाव से खरीदा था लेकिन बेच रहा है बयालीस के भाव से तो एक लीटर दूध पर इसको कितने रुपए का फ़ायदा हो जा रहा है दो रुपए का चालीस से ख़रीदा था एक, एक लीटर दूध को लेकिन बेच रहा है अगर बयालीस में तो हर एक लीटर में इसे कितने का फ़ायदा होगा दो लीटर का अगर एक लीटर पर सॉरी दो रुपये का फ़ायदा होगा क्योंकि चालीस पे ख़रीद के और बयालीस पे बेच रहा है अगर पचास लीटर को ये बयालीस के भाव से बेचेगा तो हर एक लीटर में दो रुपये का फ़ायदा होगा तो पचास लीटर में से कितने का फ़ायदा हो जाएगा टोटल सौ का फ़ायदा हो जाएगा एक लीटर पर अगर दो का फ़ायदा तो पचास लीटर पर सौ का फ़ायदा ये सौ का फ़ायदा तो इसे यहाँ से मिल गया फिर जो पाँच लीटर मिलाया है पानी वो तो ख़रीदा नहीं है फ्री में इसको मिला है और सबको बेच रहा है बयालीस के हिसाब से अगर बयालीस के हिसाब से बेच रहा है तो इसे ओवरऑल कितने का फ़ायदा यहाँ से मिलेगा पानी वाले से बयालीस से आप गुना कर लीजिए चार पचे बीस और दो पचे दस यानी कि दो सौ सॉरी आप मल्टीप्लाई कीजिए पाँच दो न दस का जीरो और पाँच का बीस और एक इक्कीस दो सौ दस का फ़ायदा हो जाएगा तो ओवरऑल कितना का फायदा हो गया यहाँ से दो सौ दस और यहाँ से सौ टोटल कितने का हो गया तीन सौ दस का फ़ायदा हो गया ठीक है तो तीन सौ दस हो गया फ़ायदा और इसका जो क्रैमुल था वो कितना था पचास लीटर चालीस के भाव से खरीदा था तो दो हज़ार क्रैमूल था और आप सौ से मल्टीप्लाई कीजिए परसेंटेज निकल जाएगा तीन जीरो से तीन जीरो फिर से इकतीस का आधा पंद्रह दशमलव पाँच ये सही उत्तर है इसका अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए कमेंट भी कीजिए आगे बढ़ते हैं चलिए ये देखते हैं अगला क्वेश्चन और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एन के मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एन के मैथ्स यूट्यूब चैनल को काफ़ी दिनों से मैंने मैथ्स का कोई वीडियो नहीं डाला था केवल जनरल नॉलेज और इंग्लिश पे ही चल रहा था इंग्लिश भी काफ़ी इंग्लिश की भी काफ़ी कम वीडियो है मेरे चैनल पे तो बात यह है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है ठीक है और मेरे साथ और कोई काम करने वाला है नहीं फ़िलहाल मैं अकेले चैनल चला रहा हूँ तो आप बने रहिए धीरे धीरे करके मैं सारी सुविधाएँ आप तक पहुँचाऊँगा और कोशिश करूँगा आपसे कि रेगुलर मैथ्स का क्वेश्चन भी डाला जाए अगर आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर चाहते हैं वीडियो या टॉपिक पर तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं मुझे चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए इस सवाल में कह रहा है कि एक दूध वाला पच्चीस से रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है फिर उसका उसमें एक बटा चार भाग पानी मिला देता है और पूरे मिश्रण को छब्बीस के हिसाब से बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा कुछ उसी तरीके का सवाल ये भी है तो पहले मैं सिंपल तरीका बताता हूँ जैसे सब लोग करते हैं शायद आप भी ऐसे ही करेंगे ठीक है अगर नहीं करेंगे ऐसे तो ये तरीका भी बेहतर हो सकता है लेकिन गुना भाग से बचना है तो मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने किया था देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि टोटल उसने चार लीटर खरीदा होगा अगर चार लीटर वो पच्चीस के भाव से खरीदेगा तो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा कॉस्ट प्राइस उसका बनेगा सौ रुपये चार लीटर पच्चीस के भाव से खरीदा तो पच्चीस सौ का सौ आप पूछेंगे कि चार ही लीटर मैंने क्यों मान लिया तो आप सौ लीटर भी मान सकते हैं जो आपको सुविधा लगे वो मान लीजिए जहाँ पर बटा के नीचे चार था तो मैंने चार मान लिया ताकि कटाने में आसानी रहेगी ठीक है तो टोटल अगर चार लीटर खरीदा होगा पच्चीस के भाव से तो वो कितने में खरीदा होगा सौ में अब उसमें अगर चार लीटर खरीदा है तो एक भाग उसका पानी मिला दे रहा है देखिए वन बाई फोर्थ का मतलब कि अगर चार है टोटल तो एक पार्ट उसमें पानी मिला रहा है यानी कि उसके बाद पाँच हो जाना है ठीक है तो जब चार में एक लीटर पानी मिला देगा तो टोटल इसके पास कितने लीटर बन जाएगा वो मिक्सचर पाँच लीटर और सबको बेच दे रहा है किसके भाव से छब्बीस के भाव से अब बताइए कि अगर पाँच लीटर छब्बीस के भाव से बेचेगा तो कितने में, में बेचेगा दो पच्चीस दस और छः पच्चीतीस एक सौ तीस में बेचेगा सौ में ख़रीद के एक सौ तीस में बेच दिया तो कितने का फ़ायदा हो गया तीस रुपये का और प्रतिशत में ही तीसवीं प्रतिशत बचेगा क्योंकि इधर सौ है तो तीस सौ का तीस प्रतिशत ही रहेगा तो तीस प्रतिशत ही सही उत्तर है तो मैं समझता हूँ कि ये तरीका भी कोई बुरा नहीं है अच्छा है तरीका यही होगा लेकिन गुना भाग थोड़ा छोटा करने के लिए मैं आपको थोड़ा अलग समझाता हूँ देखिए फिर आप हमें वही मान रहा हूँ कि चार लीटर ही खरीदा होगा ठीक है और इसका सी पी पर आप मान लीजिए मैं ये कह देता हूँ कि सी पी सौ ही हुआ उसका चलिए सी पी सौ हुआ अब आप मुझे बताइए कि चार लीटर में अगर एक लीटर पानी मिलाएगा और छब्बीस के भाव से बेच रहा है तो एक लीटर पानी का तो ये करैमुल कुछ खरीदने में रुपये दिया नहीं है यानी कि छब्बीस में बेचेगा तो छब्बीस रुपये का सीधा फ़ायदा हो जाएगा इस एक लीटर पानी से फिर जो ये चार लीटर दूध खरीदा है ये पच्चीस में खरीदा है और छब्बीस में बेच रहा है तो यहाँ से हर एक पर एक रुपये का फ़ायदा होगा एक लीटर ये पच्चीस में खरीदा था लेकिन बेच रहा है छब्बीस में तो दूध के लिए हर एक लीटर पर इसे एक रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो अगर एक रुपये का फ़ायदा एक लीटर पर हो रहा है तो चार लीटर पर इसे कितने का फ़ायदा हो जाएगा चार लीटर का टोटल एक लीटर पर एक रुपये का फायदा तो चार रुपये तो चार लीटर पर चार रुपये का फ़ायदा और जो इधर ये पानी एक लीटर मिलाया है वो सीधे सीधे छब्बीस रुपये में बेचेगा तो वो छब्बीस रुपये का फ़ायदा दे देगा तो टोटल फ़ायदा इसका कितना हो गया छब्बीस रुपया यहाँ से चार रुपया यहाँ से तीस रुपये का फ़ायदा हुआ सौ रुपये पर तो प्रतिशत भी कितना होगा तीस ही होगा यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है आगे बढ़ते हैं आठवां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे गलत हो गया है अस्सी नहीं होगा आठ होगा अगस्त है ठीक है तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दो चलिए आठवा क्वेश्चन देख लेते हैं एक व्यापारी के पास बारह सौ के चावल था उसने इसका एक हिस्सा पाँच परसेंट लाभ पर दूसरा हिस्सा ग्यारह परसेंट लाभ पर बेचा और उसने टोटल सात प्रतिशत का लाभ कमाया तो आपको ये बताना है कि पाँच प्रतिशत के लाभ पर उसने कितना के जी चावल बेचा चाहिए आसान सवाल है ऐसे सवाल आप कर पाए होंगे पहले भी वही विधि मैं अभी बताने वाला हूँ कुछ नहीं करना है देखिए आपके पास तीनों जगह लाभ दिया है यहाँ भी लाभ है ये भी लाभ है और ये भी लाभ है इस दोनों लाभ को मिलाने पर इसको टोटल सात प्रतिशत का लाभ होता है तो मैंने आपको अभी बताया एक्स वाई जेड वाला कि एक्स वाई जेड रख के आप घटा पाएंगे अगर तीनों एक ही प्रकार की राशि हो तो यहाँ पर तीनों हमारे पास एक ही प्रकार की राशि है तीनों लाभ ही है तो हम यही काम करने वाले हैं देखिए पहला से पाँच परसेंट का लाभ प्राप्त होता है दूसरे से ग्यारह का और ओवरऑल कितना मिलता है सात का आप रेशियो ले लिए घटा कर तो यहाँ पर ग्यारह में से सात जाएगा तो चार होगा और सात और पाँच का अंतर दो है कटा लेंगे हम तो वन और टू का सॉरी टू और वन का रेशियो मिलेगा ठीक है यानी कि टू और वन का रेशियो है टोटल ओवरऑल जितना भी ये बारह सौ जो किगरा बेचा है ये दो और वन के रेशियो में बंटा होगा यानी कि अगर पाँच प्रतिशत लाभ वाला जो बेचा है वो दो के जी है तो ग्यारह प्रतिशत लाभ वाला कितना के जी होगा वन के जी होगा तो सीधा सीधा आप इसको डिवाइड कर लीजिए ऐसे दो वन के रेशियो में तोड़ लीजिए बारह सौ को हमारे हिसाब से ये दो है ये वन है दोनों को मिला देंगे तो टो टोटल हमारे हिसाब से तीन बनेगा लेकिन सवाल में के में टोटल टो टो कितना है बारह सौ यानी कि तीन यूनिट बारह सौ के बराबर है कितना गुना हुआ है देखिए तीन सौ का बड़ा चार गुना हुआ है और दो जीरो चिपके हुए हैं तो यही काम हम इसमें करने वाले हैं इसको भी चार गुना कर दीजिए तो ये आठ बनेगा और दो जीरो चिपका लीजिए इसको चार गुना करेंगे तो चार बनेगा और दो जीरो चिप खा लीजिए यानी कि पाँच वाला आठ सौ है और बारह वाला चार सौ है आपसे पूछा किया गया है आपसे पाँच परसेंट वाला पूछा गया है तो आठ सौ आपका सही उत्तर होगा डी चलिए आगे बढ़ते हैं और ये गया क्वेश्चन नंबर नाइन चलिए ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो मैं इस ये हिंदी में लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसमें तो मैंने इंग्लिश में ही टाइप कर रखा है मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन इंग्लिश में है हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी में बता देता हूँ कोई अगर इंग्लिश में देख रहा है तो अच्छी बात है मैं हिंदी वालों के लिए हिंदी में बताता हूँ देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए आप टू वेसल्स वेसल्स होना चाहिए यहाँ पर यह भी मिस्टेक ही है एक तो आप बस क्वेश्चन को समझिए ठीक है टू वेसल कॉन्टेन मिल्क एंड वाटर एंड भी छूटा हुआ है यहाँ पर इन द रेशियो फाइव इज टू नाइन एंड सेवन इज टू इलेवन इफ बोथ वेसल्स वेसल्स होना चाहिए आर मिक्सड इन रेशियो फोर इज टू थ्री फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर इसका मतलब आप समझिए एक ये पॉट है इसमें दूध पानी का जो अनुपात है वो पाँच नौ का है सॉरी मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ यस yes, ये एक पॉट है इसमें दूध रेशियो का दूध और पानी का जो अनुपात है वो है पाँच नौ दूसरा बर्तन है इसमें दूध पानी का अनुपात है सात ग्यारह और दोनों बर्तन को एक तीसरे बर्तन में मिलाया जाता है ठीक और किस हिसाब से मिलाया जाता है फोर इस टू थ्री में यानी कि इससे अगर मैं फोर लीटर लेता हूं तो इसे थ्री लीटर लेता हूं और जब ऐसे में मिलाते हैं तो यहां पे रेशियो क्या बनेगा फाइनल मिक्सचर में ठीक है फिर से मैं हिंदी में इसको पढ़ के बता देता हूँ आप हिंदी में नोट भी कर सकते हैं दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात पाँच अनुपात नौ और सात अनुपात ग्यारह है यदि दोनों बर्तनों अ... को एक तीसरे बर्तन में चार अनुपात तीन के अनुपात में मिलाया जाए यानी कि दोनों बर्तनों से चार अनुपात तीन के अनुपात में मिक्सचर निकाल करके और तीसरे बर्तन में डाला जाए तो तीसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात क्या होगा तो मैंने अभी ऊपर आपको एक सवाल बताया था कि जब भी दो को मिलाकर या तीन को मिलाकर तीसरा या चौथा बनाया जाए फाइनल तो आपको सम बराबर करना होता है यानी कि ये अगर फाइव आप मैं अभी बनाता हूँ तो आपको याद आ जाएगा फाइव नाइन है इसमें इसमें है सेवन इलेवन ठीक और आपको मिलाना है तो मिलाने के लिए मैंने बोला कि पहले इसको बराबर कर लो आप ये नौ पाँच कितना था चौदह और ये सात और एक कितना था आठ चौदह और आठ को आप बराबर करने के लिए एल्शियम ले सकते हैं चौदह और आठ को या किसी भी तरीके से आप बराबर कर लीजिए ठीक है तो मैं बराबर करने की कोशिश करता हूँ अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो दोनों में दो तो कॉमन ही है तो दो को मैं साइड कर रहा हूँ फिर इसमें मैं सात से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसमें चार से देखिए चौदह सौ का छप्पन और आठ सौ से छप्पन बराबर आ जाएगा आप किसी भी तरीके से बराबर कर सकते हैं ठीक है अब मैं चार से मल्टीप्लाई किया तो ये बराबर हुए अभी सिर्फ ठीक है लेकिन हमें बराबर करके नहीं जोड़ना है हमें पहले वाले का चाहिए फोर इंस टू थ्री में मिलाना है यानी कि पहले वाले से सॉरी फोर इंस टू थ्री में मिलाना है इसका मतलब कि पहले वाले बर्तन से अगर मैं चार लीटर लूँगा तो दूसरे वाले से तीन लेना है बराबर बराबर नहीं लेना है तो देखिए मैं पहले वाले से चार लेना चाहता हूँ तो चार से मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे वाले से तीन लेना चाहता हूँ तो मैं इसमें तीन से मल्टीप्लाई कर दिया अब बताइए कि ओवरऑल ऊपर वाले में मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है ये चौदह और आठ तो था ही मुझे ऊपर वाले में टोटल सोलह से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले में एक से मल्टीप्लाई करना है आप गुना कर लीजिए ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अगर लास्ट कोई भी ऑप्शन अलग अलग है तो आप एक ही को निकालिए देखिए पहला ऑप्शन भी अलग अलग है जुदा जुदा है और दूसरा ऑप्शन भी दूसरा और पहला कहने का मतलब आप ये भी मत समझिए एक साइड का मैं बोल रहा हूँ एक साइड वाला अलग अलग है दूसरे साइड वाला भी अलग अलग है तो आप किसी एक साइड को ही गुना करके जोड़ सकते हैं ठीक है किस किसको गुना करना आसान है इधर वन और नाइन है तो वन से गुना करना आसान है तो मैं दाएँ साइड वाले को गुना कर रहा हूँ चार चेक का सोलह से मैं नौ से गुना करूँगा तो सोलह नवा कितना होगा वन फोर्टी फोर ठीक है ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही चलेगा गए जिसने वन फोर्टी फोर से छोटा दे रखा है और ये सत्तरी का इक्कीस में आप एक से कीजिएगा तो ये इक्कीस ही बनेगा और जोड़ लीजिए तो चार और एक पाँच छः और एक यानी कि एक सौ कहीं पर मिस्टेक हो गया शायद अच्छा एक सेकंड सत्तरी का इक्कीस का एक और चार होगा सोलह नवा एक सौ चौवालीस पाँच छः एक एक सौ पैंसठ ही बन रहा है अच्छा दूसरा वाला भी हम करके देखते हैं हो सकता है कि ऑप्शन सी रॉन्ग हों एक मिनट मैं इनको ज़रा मिटा दूँ यहाँ से ये वन फिफ्टी फाइव मिलना चाहिए था लेकिन मिल नहीं रहा है कोई बात नहीं फोर टू थ्री में चाहिए मैंने फ़ोर से मल्टीप्लाई कर दिया थ्री से कर दिया चलिए देखते हैं करके क्या होता है इसको जोड़ करके तो मेरा वन 165 फाइव वन सिक्सटी फाइव आ रहा है था ना दूसरे वाले को करते हैं सोलह बच्चे ये कर देंगे तो अस्सी और ये इक्कीस सतह कितना हो जाएगा अट्ठाईस सॉरी इक्कीस सतह गुना करना है इक्कीस में सात से ना तो इक्कीस में सात से गुना कीजिएगा आप तो आपको मिलेगा सात एकम सात और सात गुना चौदह इसको जोड़िए तो लास्ट में बनेगा सात आठ चार बारह एक तेरह अच्छा इसमें मैंने गलत ले लिया था सॉरी आप लोग देख रहे होंगे तो आपको हंसी आ रही होगी कि मैंने सात अनुपात ग्यारह को सात अनुपात एक ले लिया था तो सॉरी फॉर द मिस्टेक फिर से बनाना शुरू करते हैं अप्रोच वही रहेगी और उत्तर भी हमारा जरूर आएगा ठीक है चलिए फिर से शुरू कर लेते हैं ये फाइव इस टू नाइन था अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि अप्रोच मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्या करने वाले हैं हम लोग दूसरा रेशियो था सेवन और एलेवन का ये टोटल है चौदह ये टोटल है आपका अठारह तो मैं बराबर कर लेता हूँ दो कॉमन है तो मैं इसमें नाइन से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ और इसमें सेवन से ऊपर वाला नाइन है नीचे वाला सेवन है नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा चौदह नवा अंठान चौदह नवा एक सौ छब्बीस अठारह सत्तर भी एक सौ छब्बीस हो जाएगा बराबर हो चुका है मुझे पहले वाले से चार चाहिए था और दूसरे वाले से तीन तो ऊपर वाले को ओवरऑल नौचाऊ का छत्तीस से गुना करें और नीचे वाले को सत्तरी के इक्कीस से ठीक है तो मैं गुना कर लेता हूँ अब मुझे पाँच से और सात से गुना करने में आसानी होगी तो मैं नौचौ का छत्तीस को पाँच से अगर गुना करूँगा तो कितना बन जाएगा छः पच्ची तीस तीन पच्चीस पंद्रह और तीन अट्ठारह यानी कि एक सौ अस्सी बस अब ये एक सौ अस्सी बना ठीक है दूसरे वाले को आप गुना कर लीजिए कितना से गुना करना है दूसरे वाले को हाँ इक्कीस से इक्कीस को सात से करेंगे तो आपका हो जाएगा सात एक कम सात और दो सतह चौदह वन फोर्टी फोर ठीक है इसको अगर मैं जोड़ दूं तो ये बनेगा सात आठ चार बारह का दो और ये तीन तीन सौ सत्ताईस दूसरे वाले को जोड़िए आप छत्तीस में नौ से मैं गुना कर रहा हूँ तो छत्तीस में नौ से गुना करेंगे तो छः नवा चौवन का चार और हाथ में पाँच और तीन नवा सत्ताईस और पाँच बत्तीस फिर इक्कीस में ग्यारह से गुना करेंगे तो ये बनेगा एक दो और एक तीन और दो का दो जोड़िए चार और एक पाँच तीन दो पाँच और तीन दो पाँच ये सारे पाँच पाँच ही बन गए तीन से कटने वाला है कटा देते हैं तीन से अगर कटाएँगे तो ये हो जाएगा तीन एक बार में और जीरो तीन नौ सत्ताईस एक सौ तो नौ और तीन से इसको कटाइएगा तो तीन एक बार में तीन नौ चौबीस और तीन पच पंद्रह देखिए एक सौ तो नौ और एक सौ पचासी का रेशियो बन रहा है यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है आप समझ पाए होंगे ठीक है स्क्रीन छोटा है फ़ोन के स्क्रीन पर भी मैं लिख रहा हूँ इसलिए दिक्कत आ रही है अगर आपको अच्छा लग रहा है आप समझ पाए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को ठीक है अगला क्वेश्चन बनाते हैं आप समझ पाए कि नहीं इस क्वेश्चन को ये मुझे डाउट है इसलिए मैं जल्दी जल्दी एक बार और करके बताता हूँ कि क्या करना है पूरा शुरू से तो नहीं करूँगा मैं बस बैक जा थोड़ा सा और करके दिखाता हूँ आपको क्या करना था देखिए यस मैंने आपको बोला कि ये टोटल है चौदह दूसरा है अठारह मैंने आपको बोला कि जब भी मिलाना हो तो आप बराबर कर लीजिए पहले तो बराबर करने के लिए मैंने इसको किया था नौ से गुना और इसको किया था सात से गुना ठीक है अब दूसरा कि पहले वाले अगर आपसे ये नहीं दिया है कि किस रेशियो में मिलाना है तो आप ऐसे ही जोड़ सकते हैं नौ और सात से गुना करके लेकिन आपको ये दे रखा है कि फोर इंस टू थ्री के रेशियो में मिलाना है यानी कि इसका फोर भाग चाहिए तो इसका थ्री पार्ट चाहिए अब आपको ऊपर वाले में ओवरऑल नौ सौ का छत्तीस से गुना कराना है और नीचे वाले को सत्रह का इक्कीस से गुना कराना है ठीक है तो आप गुना करा सकते हैं अब देखिए मैंने अभी पहले आपको पूरा पूरा करके दोनों ओकर के जोड़ के और फिर कटा के लाया था ऑप्शन सी एक नौ और अनुपात एक इस बार मैं किसी एक को ही गुना कर रहा हूँ ठीक है ऊपर वाले को ही मैं गुना करूँगा तो छत्तीस पचे कितना मिलेगा आपको एक और यहाँ पर इक्कीस सतह कितना मिलेगा सात एक्म सात और सात दुना चौदह एक सौ सैंतालीस और दोनों को आप जोड़िएगा तो तीन सौ सत्ताईस आपको मिलेगा अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप ये देख लो कि तीन किसी में तो पहला ऑप्शन है नहीं लेकिन आप ये मिला सकते हैं कि तीन को कौन कटा सकता है हो सकता है कि तीन सौ कटा तीन अगर ऑप्शन में नहीं है इसका मतलब सीधा सीधा है कि तीन को किसी ना किसी चीज़ से कटाया जाएगा तभी इनमें से कोई ऑप्शन आपका उत्तर होगा क्योंकि सारे ऑप्शन तीन से तीन से छोटे हैं तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि कौन तीन को कटा सकता है और तीसरा ऑप्शन है जो तीन को कटा पाएगा ठीक है तो तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है बाकी आप चाहें तो दूसरे वाले को करके भी गुना आप जोड़िएगा तो जो जो आएगा आपका फाइव 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 आएगा और दोनों को तीन तीन से कटाइएगा तो आपको तीसरा ऑप्शन उत्तर मिल जाएगा तो चलिए ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ठीक है अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग